नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं दानेदार सूजी के हलवा। हलवा तो कई तरीके का बनाया जाता है, जैसे कि मूंग का हलवा, गाजर का हलवा, गेहूं के आटे का हलवा। और हलवा चाहे कोई भी हो, उसे खाना सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम बनाने वाले हैं सूजी के हलवा। आज हम सूजी का हलवा एकदम दानेदार बनाकर आपको दिखाएंगे। अगर आप इस तरीके से हलवा बनाएंगे तो आपके भी हलवा एकदम दानेदार बनेंगे और ये हलवा खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हलवा बनाना। हलवा बनाने के लिए हमने आधा कप बारीक सूजी लिया है, आधा कप देसी घी और आधा कप चीनी। तीनों चीज़ों की मात्रा हमने बराबर लिया है। हलवा बनाने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है, तो सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई में हम एक चम्मच घी डाल देते हैं। घी गरम हो चुके हैं तो पहले हम मेवा को भुनेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा किशमिश लिया है, थोड़े से कटे हुए काजू, 6 से 7 दाने कटे हुए बादाम, थोड़े से कटे हुए नारियल। अब सभी मेवा को डालकर हम भून लेते हैं। आप चाहें तो अपने पसंद के अनुसार और मेवा ले सकते हैं। मेवा को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे हम हल्का ही भुनेंगे। मेवा हमारे भुन गए हैं, इसे हमने हल्का भून लिया है। अब मेवा को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मेवा को हमने भूनकर निकाल लिया है। बाकी बचा हुआ घी हम कढ़ाई में डाल देते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम सूजी को डालकर भूनेंगे। कढ़ाई में हम डाल देते हैं आधा कप सूजी। गैस को हम धीम कर देते हैं। अब सूजी को धीमी आंच पर बराबर चलाते हुए भूनेंगे, जिससे सूजी जले ना और अच्छे से भून जाए। सूजी को हमें सुनहरे कलर में भूनना है। जब तक सूजी सुनहरे कलर में ना हो जाए, तब तक हम इसे चलाते हुए भूनेंगे। अभी आप देख सकते हैं सूजी कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इसे हम 1 मिनट तक और भून लेते हैं, जिससे पूरी तरह सुनहरे कलर में हो जाए। अब सूजी पूरी तरह सुनहरे कलर में हो गई है, यानी कि सूजी अच्छे से भुन गई है। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप पानी। पहले हम 1 कप पानी डाल देते हैं। अब आधा कप पानी और डाल देते हैं। हलवा हम दानेदार बना रहे हैं। आधे कप सूजी में हमने 1.5 कप पानी डाला है, यानी कि हम जितना सूजी लेंगे उसका 3 गुना पानी लेंगे। अब इसी में हम आधा कप चीनी डालकर मिला लेते हैं। अभी इसमें आपको पानी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब ये पक जाएंगे तो सूजी जो है पानी को पूरी तरह से सोख लेगा। अब इसे हम 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढक देते हैं, जिसे सूजी जो है पानी पूरी तरह सोख लें और चीनी भी अच्छे से गल जाए। अब 1 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर आपको दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं सूजी जो है पानी पूरी तरह सोख लिया है और इसमें चीनी भी अच्छे से गल गई है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और भुने हुए मेवा को डाल देते हैं। इसी में हम 1 चम्मच येलो फूड कलर डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो न डालें। अब सारे चीज़ों को हलवा में मिलाते हुए हलवा को 1 मिनट तक और पकाएंगे, जिससे हलवा पूरी तरह से पककर और सूखे हो जाए। हलवा को हमने 1 मिनट तक चलाते हुए पका लिया है। अब आप देख सकते हैं कितने दानेदार हलवा हमारे बने हैं। यह हलवा पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हलवा को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसके ऊपर से हम थोड़े सूखे मेवा से गार्निश कर देते हैं।
यह सूजी का हलवा हमारे पूरी तरह से बनकर खाने के लिए तैयार हैं। इसे बनाने में हमें पूरे 10 मिनट लगे हैं। सूजी का हलवा बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। यह हलवा बहुत कम चीज़ों में बहुत जल्दी से बन जाते हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसे बच्चे हों या बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। इस तरीके से हमारे सूजी के हलवा बने हैं। हलवा को हम और पास से दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सूजी का हलवा एकदम दानेदार बने हैं। यह दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप चाहें तो सूजी का हलवा हर मौसम में बनाकर खा सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पर बहुत ही आसानी से सूजी का हलवा बना सकते हैं। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।